न्यूजीलैंड से ऐतिहासिक हार के बाद भारतीय टीम पहला मैच खेलने को तैयार है। भारतीय टीम का आज 8 नवंबर को डरबन में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला है। यह T20 मैच है जिसमें भारतीय टीम पूरी तरह बदली नजर आएगी। सूर्य कुमार यादव की टीम कोशिश जीत दर्ज करने के लिए न्यूजीलैंड से मिली हार का गम कम करने की होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से भारत के 2 खिलाड़ी अपने T20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए एकदम नई टीम चुनी है। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलने वाली भारतीय टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी चुना गया है, वह खिलाड़ी है अक्षर पटेल। वहीं सूर्या की अगुवाई में चुने गई टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो टीम इंडिया में जगह पाने या पक्की करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हालांकि इसी टीम में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य हार्दिक पांड्या और अर्शदीप भी हैं। बता दें, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उतरने वाले भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में एक या दो नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस रेस में सबसे आगे है रमनदीप और यश दयाल। 27 साल के रमनदीप सिंह ने IPL के KKR के लिए खेलते हुए प्रभावित किया था। इसके बाद उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। वही रिंकू सिंह से एक ओवर में 5 छक्के खाकर चर्चा में आने वाले यश दयाल भी प्लेइंग 11 में जगह पाने के दावेदार है। 26 साल के यश दयाल ने IPL में पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, तभी से वह चयनकर्ताओं के रडार में है। वहीं आपको बता दें, भारत की प्लेइंग 11 में संभावित सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अक्षर पटेल, यश दयाल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।